तो हेलो दोस्तों, आप कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों तो चलिए आज आपको नवरात्रि की कुछ तरह की फ़ोटो एडिट करके आपको दिखाने वाले हो दोस्तों, सिखाने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ही ध्यान से। और दोस्तों अगर आप फ्री में फोटो एडिटिंग कराना चाहते हैं तो आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। और मैं आपको लास्ट में कहीं भी व्हाट्सअप नंबर बता सकता हूँ, तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों आपको ऐड करके व्हाट्सअप में मुझे डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करना है फोटो, तो मैं आपकी फ्री में फोटो एडिटिंग करके दे दूंगा आपको। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट, टाइम न गवाते हुए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड फोटो पर क्लिक कर देना दोस्तों। यहाँ पर जिस मॉडल की फोटो, जिसकी फोटो आप एडिट करना चाहते हो, उस फोटो को जल्दी से ऐड कर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने कुछ ये फ़ोटो ऐड कर लिया दोस्तों पिक्सार्ट में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो बैकग्राउंड है इसमें हम इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीजन पे क्लिक करता हूँ। रीजन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पर्सन में क्लिक कर देना है। इसमें नेट ऑन होना चाहिए तभी ये काम करेगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पूरा जो बैकग्राउंड है हट चुका दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक करेंगे और ब्रश की साइज अपने हिसाब से कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे करके इसको रिस्टार्ट कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड हमको चाहिए हो तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और कुछ हिस्सा ऐसे कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों को क्या करना है, इस फोटो को कुछ जूम करना है ऐसे, और यहाँ पे जाना है रेजर पे। रेजर पे जाने के बाद दोस्तों इसकी ओपेसिटी कम कर लेना, ब्रश की साइज छोटी बड़ी कर लेना दोस्तों। यहाँ पर हार्डनेस को भी अपने हिसाब से कर लेना, यहाँ पर जो फालतू का इसको आपको रिच कर देना है ऐसे कुछ। तो दोस्तों इससे क्या होगा, पता नहीं चलेगा और जो बैकग्राउंड और फोटो दोस्तों मर्ज हो जाएगी। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो को सेट कर लेना है अपने हिसाब से, जितनी भी वीडियो आप साइज चाहिए वो कर लेना है आपको दोस्तों ऐसे ही। तो दोस्तों यहाँ पे इतना काम होने के बाद मैं नीचे आता है, यहाँ पे फ्लिप रोटर लिखा है, इसमें क्लिक करके आपको ऐसे कर लेना है ताकि कुछ इस तरह से मॉडल की फ़ोटो आ जाए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और इरेजर पर जाके दोस्तों, और इसको ख़त्म करके यहाँ पे जो हिस्सा है आप इसको भी अपने हिसाब से ऐसे रीच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है और ऐड फोटो में जाके एक पीएनजी को ऐड कर लेना है जल्दी से। तो दोस्तों इस पीएनजी को मैं ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो के हिसाब से कुछ इस तरह से सेट कर लेना है नीचे के साइड में। और इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे लाइट पे दोस्तों, ये एडजस्टमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको ह्यू पे जाना है। ह्यू पे जाने के बाद दोस्तों इसको आपको यहाँ पर ला के नीचे साइड रेड पे कर छोड़ देना है, यहाँ पर देखिए ऐसे। तो दोस्तों ये रेड हो जाएगा बैकग्राउंड। इसके बाद दोस्तों आपको राइट पर क्लिक कर देना है और राइट पर क्लिक करने के बाद प्लस पर फिर से जाना है एक बार दोस्तों। एक और पीएनजी को जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आपको इस पीएनजी को कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो के हिसाब से ऐसे सेट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके एक टेक्स्ट पीएनजी को जल्दी से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इस टेक्स्ट पीएनजी को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऐसे दोस्तों। यहाँ पर हैप्पी नवरात्रि लिख चुका दोस्तों। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटो को, जो मॉडल की फोटो, उसको सेव कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।